राज्य सरकार ने 16 जून को आदेश कर भाजपा के 17 नेताओं की सुरक्षा कम कर दी है और कुछ नेताओं की सुरक्षा को तो पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसको लेकर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक अजय चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के पूर्व विधायकों की सुरक्षा हटा दी गई है। ये ऐसा कदम है जिससे हर एक कदम पर भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए खतरा मंडराता रहेगा। इस खतरे से मैं स्वयं अछूता नहीं हूँ, मुझे भी धमकी मिल चुकी है और लगातार ये खतरा बना हुआ है। मेरे इर्द गिर्द संदिग्ध लोगों का एहसास मुझे कई बार हो चुका है। अगर किसी भी भाजपा कार्यकर्ता को भविष्य में कुछ भी क्षति पहुंचेगी, उसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार जिम्मेदार होगी। मित्रों, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भाजपा के पूर्व विधायकों की सुरक्षा कम कर दी है या कहीं पे हटा दी है, ये अत्यधिक निंदनीय है, क्योंकि दुरूह क्षेत्रों में सार्वजनिक जीवन में काम करने में उनको बहुत ही कठिनाई आएगी। इन्हीं परिस्थितियों में ही उन क्षेत्रों में भाजपा के कई कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग में हत्या हो चुकी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार से कहना चाहता हूं कि मैं सोशल मीडिया में और विधानसभा के अंदर बाहर जिन तत्वों के खिलाफ लिखा हूँ, उन तत्वों से मुझे भी जान का खतरा है। ये मैं कई जगह उन संदिग्ध लोगों की हरकतों को अपने आसपास देखता हूं। एक बार मुझे धमकी मिली थी, उसको भी मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी को अवगत कराया था। जिस तरह से सुरक्षा हटाई जा रही है, मैं चाहता हूं कि आप तत्काल भाजपा के सभी कार्यकर्ता जो नक्सल क्षेत्रों में काम करते हैं उनको सुरक्षा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें। यदि किसी के जान माल की क्षति होती है तो पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भाजपा।